सो फ्रेंड्स हम रेडी हो चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है 10:35 और अभी हमें जाना है नाथा टॉप, जो सबसे टॉप पे है जहाँ पे बर्फ है, और उसके बाद थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे और आज शाम की हमारी फिर निकलना है यहाँ से। तो अभी हमें तैयार हो चुका हूँ, हमारे सारे दोस्त भी तैयार हैं, ऐसा लग रहा है हेवन में आ गए। और अभी ऊपर जाके तो और पता नहीं क्या होगा। ये भैया इनके नाम है संजीव भैया, ठीक है, ये यही रहता है हमारे कटरा में, इनकी एक शॉप भी है और ये हमारे कल से हमारे टूरिस्ट गाइड हैं। इन्होंने हमें बहुत अच्छा करा, रूम बहुत अच्छा दिलवाया, खाने पीने की हर चीज की फैसिलिटी एकदम बढ़िया, और गाड़ी भी है, बिल्कुल जय माता दी। फ्रेंड्स हमने मंजिल की तरफ चल दिए हैं और ये देखिए व्यू, और अभी हम गाड़ी ऊपर आएगी, गाड़ी थोड़ी स्लान यहाँ पे ढलान सी है तो हम पैदल जा रहे हैं, और गाड़ी में रमन बैठा है, रमन लेके आ रहा है गाड़ी, रमन का सचिव भाई लेके आ रहे हैं, रमन की तो बस की नहीं लाना। तो भाई यहाँ पे जितने आप ज़्यादा ग्रुप के साथ आओगे उतना आपका फ़ायदा होगा, उतना आपको सस्ता पड़ेगा, उतना आप बढ़िया से मज़े ले पाओगे। सो फ्रेंड्स हम निकल चुके हैं नाथा टॉप के लिए और हमारा एक्सपीरियंस अभी तक का बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे, आपको नाथा टॉप दिखाते हैं। वो देखे गाइस, वो दिख रहा है नत्था टॉप, उसके ऊपर बर्फ। जय माता दी, जय माता दी। ये देखिए टूरिस्ट फोटो लेते हुए भाई, रास्ता देखो, रास्ता भी बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत बढ़िया रास्ता है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी गाड़ी में, आप किसी भी दिक्कत से आप आओ। पैसा ये दिख रही है आपको बर्फ, पर देखो गाइस मिनी स्विट्जरलैंड, ओ माय गॉड, मिनी हेवन, हेवन प्रो लाइट। जो बंदे कहते हैं ना स्वर्ग कश्मीर में, वो बिल्कुल सही कहते हैं, स्वर्ग नहीं है, आपको यार इधर उधर स्वर्ग में मैं अभी लेने वाला हूँ, सांस लो मगर चल रहा है, क्या करना, जहाँ खड्डा वहाँ बालों का अड्डा। I can be sad with you, just take my hand and fly up to the dreams where कर दी है, और अब हम यहाँ से पैदल ही जाएंगे। फ्रेंड बहुत ज़्यादा ठंड है, मैं तो ये एक जगह छुआ ले के आ गया ये वाली, वरना तो हालत ख़राब हो जाती। अभी चलते हैं आपको आगे दिखाएंगे बाकी सारा, अब वॉकिंग होगा तो सारे ऐसे चलेंगे। चलो भाई, बहुत ज़्यादा ठंडी है, मज़ा आ रहा है, पूरा पैक हो गया मैं तो। ये देखो ये हमारा बुढ़ऊ है भाई साहब, क्या होता हूँ आपको, मतलब ऐसे तो आपको पता नहीं चलेगा मज़ा, लेकिन मज़ा आपको बर्फ दिख रही होगी आपको, होए होए हाथ मैंने 2 मिनट के लिए बाहर निकाले, पूरे चिड़ लोगे हाथ। यहाँ पे गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, तो गाड़ियाँ अभी हमारा बढ़िया बना तो यहाँ भी खा लेंगे। ये है मैगी पॉइंट, क्या नाम अंकल आपका? मेरा नाम संजय कुमार है। अंकल ने बनाई हमारे लिए मैगी, अरे वो कौन हाथ में। यहाँ पे अभी हम मैगी का मज़ा लेंगे, अभी मैगी बन रही है फिर आपको दिखाते हैं। ये चौक कौन सा है? ये हाँ है ये। फिर इसको क्या कह रहे हैं? टी पॉइंट पंचाई। अच्छा ये पंचाई मोड़ का टी पॉइंट है। वेदर के साथ ये मैगी, ये देखो गाइस मज़ा आ जाएगा। साइड से एकदम देख देख के आना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा जाम है ना, स्लाइडर बर्फ में स्लाइडर नहीं नहीं ये देखो भाई, थोड़ा करना भैया घूमने के लिए ऊपर बर्फ में, नहीं हम खुद घूमने आए ना, तो एकदम खतरों के खिलाड़ी इधर कोने कोने में चल रहा हूँ। तो ये देखो भाई ट्रक वगैरह फंसे पड़े हैं। ये भाई हमने ले लिया अपने शूज, चालू हो गए। ये देखो ये है बर्फ, और ये पूरा पूरा स्लिपरी है, पूरा पैक, और एकदम ठंडा माहौल है, बर्फ ही बर्फ है। हमारे अनुसर वाले पीछे,
मेरा भाई बेचारा इसको हमने डंडा दे दिया। शैतान की खोपड़ी आ रही है साथ। और ये हमारी शैतान की खोपड़ी संजू भाई, संजीव शैतान की खोपड़ी। ये हमारी टूर गाइड है। आंखों में ठंडी लगे ना, आंसू आते हैं। पानी पानी कहाँ रखा आपने? कार सुना? ओए इतना ओए। तो फ्रेंड्स हम आगे आए थे थोड़ा। ये हमारे टूर का संजीव भाई थे, दो भाई और मिले हमें। क्या नाम है भाई आपका? लकीर। आपका? मेरा नाम अरफान खान। अरफान खान, तो ये हमें जाके बर्फ में जाके स्लाइडिंग वगैरह करवाएंगे, इनका खुद का वो है। तो चलो देखते हैं बर्फ में कैसे मजे आते हैं। भाई साहब बर्फ तो यहीं पे स्लिपरी ऐसी हो रही है, यही स्लिप हो रहा है। ओए आराम से चलियो छोटा स्नोमैन। इतनी ठंड लग रही है बेचारे को। ये देखो भाई बहुत मौसम बहुत अच्छा है, धूप आ रही है तो इसलिए इतनी ठंड नहीं लग रही। बट फिर भाई जैकेट हमने पहना है, फिर जैकेट उतार दे तो हमारी तो हालत खराब हो जाएगी। भैया देखो हर जगह मैगी ही मैगी, यहाँ मैगी ज्यादा बिकती होगी। हाँ मैगी और ऑमलेट। ये बर्फ जो ऐसे ही फ्री वाले कंबल अपने लाए ना उन्होंने। लगा ली क्योंकि गाइस अब थोड़ी थोड़ी ठंड बढ़ती जाएगी जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं। अब स्किन कलर देख रहे हो कैसे एकदम तुन पड़ चुके स्किन है। संजीव भाई शैतान की खोपड़ी, शैतान की खोपड़ी। और ये हमारे बुजुर्ग आदमी थोड़े चलते हुए जुग जुग। अरे हमारे भाई गिर गए, संजू भाई गिर गए, संजू भाई हो गए स्लिप। और हमें बुढ़ापे भाई जा रहे हैं आगे। हेलो गाइस हम ऊपर पहुंच चुके हैं, अभी एक एक करके जाएंगे ना। अभी यहां पे हमारी खोपड़ी इधर होगी। फ्रेंड्स मेरी पहली एक्टिविटी शुरू होने वाली है, ये भाई करवाएंगे हमें। और हम आ चुके हैं अपने पॉइंट पर, यहां पर आ जाने से आगे भी जाते हैं। बर्फ देखो गाइस मजा आएगा, हमने यहाँ पे बहुत सारी फोटोज ली। ये देखो कितना बढ़िया मस्त मौसम है। यहाँ पे हम गोलगप्पे खा रहे हैं, ये देखिए अनुसर को मेरे मन मतरा ये शैतानी को। ये देखो पहले अभी हम खाने का तरीका दिखा रहे हैं। ओए ओए सो फ्रेंड्स ये हमारा हम आए थे यहाँ पे 12:30 तक पहुँच गए थे, एक नहीं हम 12:30 तक पहुंच गए थे। और हमारा यहाँ पे बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉयमेंट करा। आपने देखा कैसे स्लाइड्स वगैरह करी हमने, तो मज़ा आ गया। और मेरे फ़ोन की तो बैटरी वो हो गई, तो मैं सर्किट से कर रहा हूँ। और अब ये व्यू का आप देख लीजिए, हम भी यहाँ से जा रहे हैं। अब यहाँ से हम उधमपुर जाएंगे, उधमपुर से हमारी ट्रेन है तो ट्रेन से चलेंगे। देखो भाई बाल मेरे पता नहीं सेट ही नहीं हो रहे यार, यहाँ पे बाल थोड़े हल्के हैं ना। रमन बोला क्या पकड़ो उसको लेके आओ मैम।
वीडियो चालू रखना। देखो गाइस हमारा बुढ़ा आदमी वहाँ फंस चुका है, तो मैं जा रहा हूँ उसको रेस्क्यू करने। रेस्क्यू रेस्क्यू करने, देखना गिरेगा, देखना गिरेगा। रमल एक बार गिर जाइयो, ओए रेस्क्यू वाले कभी तू मत गिर दे। उसकी वीडियो जारी रखी इधर बनाना स्थान की। हाँ। रेस्क्यूड फाइनली, बुजुर्ग आदमी को बचा लिया गया। एनडीआरएफ फ्रॉम दिल्ली, एनडीआरएफ आदमी हमारा बच गया। एनडीआरएफ नहीं पता, शैतान का बच्चा, रेस्क्यू डिपार्टमेंट टीम होती है। चल 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 चल, ये नहीं करो। ओके भैया, ओके भाई, मिलते हैं आपसे अगली बार। आराम से शैतान की खोपड़ियों को इसको पकड़ लो, ओए उस कौन को पकड़ लो बड़े वाले को। सो फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स हमारा यहीं तक का था, हमने बहुत मजे करे भाई, बर्फ में आनंद ही आ गया। अब अगली बार आएंगे ना तो ऐसे टाइम पे आएंगे जब यहाँ पे समझ लो स्नो फॉल हो रही होगी। हमने सोचा तो यही था कि स्नो फॉल देखेंगे, और देख रहे हो कैसे फट चुके हैं भाई सब ठंड की वजह से। और मैंने और सर तो भाई गिरते ही जा रहे हैं, शैतानी खोपड़ी। ये देखो भाई सर आएंगे तो कपल का अलग ही स्वाद देखा गाइस, हमने कैसे लाइव एग्जांपल। और शैतानी खोपड़ी अकेले आगे जा रही है, इसको पता ही है। चलो जहां गाड़ी के टायर है ना जहां चलो, ये सारी स्थान की खोपड़ी बर्फ है, ये बर्फ की चादर है काली काली। और ये हमारी शैतानी खोपड़ी पीछे आ रही है, हम फंस चुके बाइक की तो क्या हालत होगी। वो जो शैतानी खोपड़ी हमें ज्ञान देता हुआ अभी थोड़ी देर से ही शैतानी खोपड़ी गिर जाएगी। आप देखना आनंद आएगा आपको। ये देख सकता है खोपड़ी जगह चेंज कर ली, गिर जाऊंगा जगह चेंज कर लो। आप शैतानी खोपड़ी की टांगे देखो, हुक्का खोपड़ी, हुक्का खोपड़ी। ओह माय गॉड, शैतानी खोपड़ी का नया नाम हुक्का खोपड़ी, हुक्का खोपड़ी। इसमें तो सर इसमें तो किस दिक्कत ही नहीं, इसमें ग्रिप बनाई और स्लिप है करते हैं वैसे देखो। मैंने स्टोरी नहीं किया स्टोरी बोल यार तुम्हें तो क्या रहता आप मत छोड़, एक मिनट एक मिनट। शैतानी खोपड़ी गिर गई, मैं हाथ छोड़ दे, मैं हाथ तो भाई हल्का मेरी खोपड़ी हल्का तो कुछ हुआ, शैतानी खोपड़ी गिर गई तो इसको टायर के बीच बीच ले जाओ बहुत ज्यादा समस्या हो गई। देखो फिर गिरने वाली है, आराम से आराम से आराम भाई। शैतान की खोपड़ी ऊपर ऊपर जा रही है, अरे ये देखो पकड़ो मत रे भैया, इधर ऊपर ऊपर चल, इधर चल, अरे इसको ऊपर चल सर, अब रगड़ो मत ना, ऊपर कदम पड़ रही हूं। नहीं नहीं इधर चल, चल धक्का मत मार, कोई टेंशन नहीं ले, मैं तेरे साथ हूँ, नहीं गिरेगी शैतान की खोपड़ी। शैतान की खोपड़ी सब पकड़ के लाओ इनको, हाँ मैं लाता हूँ। अबे नहीं रे ये देखो, अब शैतान की खोपड़ी वीडियो बनाएगा जे। अब देखो चलो आगे पता नहीं, अरे राम से राम से राम से मोबाइल चेक कर ले, ठीक है मोबाइल है ना, कोई नहीं आप हमारे ब्लॉग में आ जाओगे आप। शैतान की खोपड़ी आ जाओ, वो गाड़ी फंस चुकी है देखो। अब ये तो धक्का मारेंगे, देखो बाइक कैसे स्लिप हो रही है यहाँ पे देख रहे हो, ये अलग ही एडवेंचर है। वो निकल के धक्का मारेंगे तभी गाड़ी बढ़ेगी। देखो हमारी शैतानी खोपड़ी आगे बढ़ रही है, जूम कम कर लूँ देखो। ये हो रहा है गाइस यहाँ पे, अपन नीचे से आराम से ग्रिप बना के चलो तो कुछ नहीं, मेन बात ये। सो फ्रेंड्स हम वहाँ से वापस आ चुके हैं जूते वाले के पास, अपने बूट जो हमने लिए थे वापस करेंगे और अपने वाले जूते लेंगे। सो लेते हैं ले लो भैया, पर ठीक है ये देखो गाइस हमने अपने जूते पहन लिए, इसने पहने शैतान की खोपड़ी ने वो पहन रहे हैं भाई। मौसम में बाल देखो सर कितने जितने ज़्यादा उड़ रहे हैं, ये यहाँ का हवा, यहाँ पे भाई इतनी हवाएं चल रही है क्या पता नहीं, आवाज़ आ रही होगी इतने हवा में कि नहीं आ रही होगी, बढ़िया मजा। और हम यहाँ पे 10 मिनट के लिए रुके हुए क्योंकि गाड़ी ठंडी हो गई थी तो थोड़ा गर्म कर रहे उसे चालू करके। सो फ्रेंड्स हम चल चुके हैं अब उधमपुर के लिए, यहाँ पे बर्फ़ का हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अब हम फिर देखेंगे नेक्स्ट ईयर का भी प्लान बना तो आएंगे, और अब चलते हैं उधमपुर की ओर। आज शाम को हमारा ट्रेन की भी टिकट है, और ये देखिए भाई व्यू है भाई, ये तो बहुत ही बढ़िया बहुत बेहतरीन। नींद नहीं चैन नहीं
तेरे बिना उस